नीमच के जिला न्यायालय स्थित बार एसोसिएशन के कक्ष में बड़ी संख्या में उपस्थित अभिभाषकों के चेहरे खुशी से खिलखिला रहे थे। मौका ऐतिहासिक था क्योंकि वर्तमान अभिभाषक संघ की कार्यकारिणी के अध्यक्ष मनीष जोशी, सचिव लक्ष्मण सिंह भाटी और कार्यकारिणी की लंबी लड़ाई और मेहनत का फलदायी परिणाम जो मिल गया। जबलपुर हाईकोर्ट से मिली अनुमति के अनुसार अब जिला न्यायालय के नवनिर्मित भवन में एडवोकेट यहाँ भूमि पर अपने चैम्बर बनाकर कार्य कर सकेंगे। उत्सव मनाने के इस खास मौके पर जिला एवं प्रधान न्यायाधीश सुशांत हुद्दार, विशेष न्यायाधीश अजय टेलर, अभिभाषक संघ के अध्यक्ष मनीष जोशी, सचिव लक्ष्मण सिंह भाटी और बड़ी संख्या में अभिभाषक उपस्थित रहे। ढोल नगाड़े बजे स्वागत की रस्में हुई। मनीष जोशी और लक्ष्मण सिंह भाटी को फूल मालाएं पहनाकर बधाई दी गई। खूब ढोल नगाड़े बजे। इस अवसर पर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष मनीष जोशी ने कहा कि लड़ाई कठिन और लंबी थी। चुनाव के दौरान मैंने वादा किया था कि नई बिल्डिंग में तभी जाएंगे जब हमारा चैम्बर बनेगा। सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ने के बाद अब हमारी मांगे पूरी होने जा रही है। लक्ष्मण सिंह भाटी ने कहा कि यह पहला मौका है जब वकीलों को चैम्बर के लिए भूमि का अलॉटमेंट हो रहा है। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। बार एसोसिएशन के कक्ष में आज खुशी की लहर दौड़ रही है। आइए जानते हैं वजह क्या है। मेरे साथ मौजूद है बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष जी जोशी साहब। सर बधाई हो, खुशी का कारण जानना चाहेंगे। धन्यवाद आपको। और खुशी का कारण हमारा ये है कि आज हमारी जो 2 साल से हमारी जो पुरानी मांग थी कि नवीन न्यायालय परिसर में नीमच जिला अभिभाषक संघ के सदस्यों की जो बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं थी, वो आज हमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर से हमें वो इजाज़त मिल गई और हमें अभिभाषक संघ को उनके द्वारा जमीन आवंटित कर दी गई है, जहाँ अब जिला अभिभाषक संघ नीमच के सदस्य अपने चैम्बर बना के अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से चला सकेंगे। ये एकमात्र आज खुशी का कारण है। सर, किस तरह की लड़ाई इसके लिए लड़ी गई? आपने चुनाव के दौरान, अगली बार ये चुनाव के दौरान भी इसके लिए वादा किया। निश्चित रूप से मैं जब चुनाव लड़ा तो मैंने बार बार इस बात को दोहराया था कि हमारा नवीन न्यायालय परिसर बन रहा है और वहाँ हमारे अधिकांश सदस्यों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि हमारे बैठने की व्यवस्था क्या है। तो मैंने उस बात को चुनाव में बार बार दोहराया कि यदि मैं अध्यक्ष बनता हूँ तो मेरी पहली प्राथमिकता ये होगी कि वहाँ जो है मैं अभिभाषकों की बैठने की समुचित व्यवस्था करूँगा। और आज वो दिन आ गया कि मैं अपना वादा जो है पूरा कर पाया और उस वादे को पूरा इसलिए कर पाया कि मेरे साथ जो मेरे सेक्रेटरी हैं आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी भाटी, उनने पूरा मेरा साथ मिलाकर कंधे से कंधे मिलाकर इस लड़ाई को लड़ा और हम जीतने में सफल रहे। वकीलों को किस तरह की सुविधाएं इसमें? देखिए, एक एडवोकेट को अपनी प्रैक्टिस करने के लिए प्राइवेसी का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अलग अलग तरीके के पक्षकार आते हैं। एक ही मुकदमे में पक्ष भी होता है, विपक्ष भी होता है, तो आप एक कॉमन हॉल में बैठ के अपने विधि व्यवसाय के सुचारू रूप से नहीं चला सकते। उसके लिए कुछ आपको पर्दा निश्चिंत होना पड़ता है, कुछ आपकी प्राइवेसी होना ज़रूरी होती है। तो वो हमारी सबसे बड़ी लड़ाई थी कि 4,500 स्क्वायर फीट और 4,500 स्क्वायर फीट के 2 हाल होने के बावजूद एक ही प्रकरण के 2 वकील आमने सामने बैठ के उस प्रकरण की बात नहीं कर सकते अपने पक्षकार से और पैर भी नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे लिए चैम्बर्स की बहुत ज़रूरत से ज़्यादा आवश्यकता थी और वो आज जाके हमें उसकी परमिशन मिली। लक्ष्मण सिंह जी, क्या खास बात कहेंगे इस मौके? खास बात, सबसे खास बात एक ही है कि इस मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में किसी जिला अभिभाषक संघ की किसी बिल्डिंग में पहली बार जमीन आवंटित की तो जिला अभिभाषक संघ नीमच को की है। इससे हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से बार एसोसिएशन के कक्ष में जमीन आवंटित होने के लिए खुशी का माहौल है। चूंकि अब जो नीमच के एडवोकेट से वो अपनी प्रैक्टिस प्राइवेसी के साथ कर पाएंगे और जैसा कि बताया गया कि ये मध्य प्रदेश के इतिहास में पहला अवसर है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुर्जर के साथ अब्दुल अली ईरानी।